ये कहानी ऐसी लड़की की है जो 16 साल की उम्र में इंटीमेट होती है और यहाँ से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ये लड़की एक साथ कई लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है। आगे ये लड़की इस कहानी में और क्या क्या करती है आज हम इस कहानी में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेलिसा होता है। मेलिसा अपनी मदर और ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। मेलिसा अपनी मॉम से बहुत नफरत करती थी। मेलिसा से उसकी ग्रैंड मदर बहुत प्यार करती थी। अगले दिन मेलिसा मास्टर बीट कर रही थी तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और वो खुद को संभाल लेती है। अगली सुबह मेलिसा अपने फ्रेंड के घर जाती है जिसका नाम डेनियल होता है। डेनियल अपने फ्रेंड के साथ स्विमिंग कर रहा था। मेलिसा डेनियल को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती, वो उसे देख रही थी। यहाँ पर मेलिसा स्विमिंग पूल के पास बैठ जाती है तभी डेनियल मेलिसा को पानी में खींच लेता है। जैसे ही डेनियल मेलिसा को स्विमिंग पूल में खींचता है तो मेलिसा नर्वस हो जाती है और वो डेनियल की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तभी वो डेनियल के पीछे जाती है और जब वो दोनों बातें करते हैं तो डेनियल मेलिसा से कहता है कि तुम मुझे यहाँ अकेले रोज मिलना। ये सुनकर मेलिसा बहुत खुश हो जाती है और वो मान भी जाती है। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। मेलिसा डेनियल से कहती है कि वो अभी तक वर्जिन है। ये सुनकर डेनियल मेलिसा के करीब आने लगता है तभी वो मेलिसा को किस करता है और साथ ही ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। मेलिसा की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती है, वो स्कूल जाती है जहां वो डेनियल का इंतजार करती है। लेकिन उस दिन के बाद डेनियल मेलिसा को कहीं नहीं मिलता और ना ही कोई मैसेज छोड़ता है ना कोई कॉन्टेक्ट नंबर। मेलिसा की दोस्त उसे कहती है कि उसे जो चाहिए था उसे वो मिल चुका है, अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। मेलिसा अपनी डायरी में लिखती है कि वो डेनियल से बदला लेगी चाहे उसे जो करना पड़े। कुछ दिनों बाद मेलिसा को पता चलता है कि डेनियल अब इसी शहर में है, जहां वो एक क्लब में जाती है जहां मेलिसा की मुलाकात डेनियल से होती है। डेनियल भी मेलिसा को देखता है और वो उसके पास जाता है और मेलिसा से कहता है कि अब तुम काफी बड़ी हो चुकी हो। तभी वहां एक लड़का आ जाता है और वो मेलिसा से मिलने को कहता है। ये सुनकर डेनियल मेलिसा को जाने नहीं देता और वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। अगले दिन मेलिसा डेनियल के घर जाती है जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं। मेलिसा डेनियल से कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। दरअसल डेनियल मेलिसा का फायदा उठा रहा था, वो उसे सिर्फ अपनी हवस के लिए यूज कर रहा था। मेलिसा डेनियल से मिलने के बाद पूरी तरह से बदल जाती है। डेनियल उसका फायदा उठा रहा था, वो मेलिसा के साथ मजे करना चाहता था और ये बात मेलिसा को पता चल जाती है। मेलिसा खुद से कहती है कि वो ऐसा ही करेंगी और डेनियल से बदला लेंगी, वो भी किसी की फीलिंग से खेलेंगी। अगले दिन मेलिसा जब स्कूल जाती है तो उसका मूड ऑफ होता है जिसके वजह से सब उस पर हंसने लगते हैं। पर वहाँ एक लड़का है जो मेलिसा की फीलिंग को समझता है। स्कूल के बाद मेलिसा कैंटीन जाती है जहां उसे एक शख्स हवस भरी निगाह से देख रहा था। तब मेलिसा अपनी दोस्त से कहती है कि वो अब उसे कैसे अट्रैक्ट करेंगी। मेलिसा अपनी पैंट को नीचे कर देती है। जैसे ही वो शख्स मेलिसा को टच करने की कोशिश करता है वो वहां से चली जाती है। जब वो घर आती है तो वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है। जब मेलिसा को उसकी ग्रैंड मदर देखती है तब वो समझ जाती है कि मेलिसा अब बहुत गलत काम कर रही है। जब वो मेलिसा की मदर से कहती है तो उसकी मॉम ये बातों को इग्नोर कर देती है। जब मेलिसा की ग्रैंड मदर उसे समझा रही थी तभी उसे डेनियल का कॉल आता है। डेनियल उसे अपने घर आने का कहता है और वो उसे मिस कर रहा था। मेलिसा सब कुछ भुलाकर डेनियल के पास चली जाती है जहां वो मिलते हैं। फिर वो किस करते हैं। डेनियल मेलिसा को अपनी आंखें बंद करने को कहता है तभी वहाँ डेनियल का फ्रेंड आता है और वो मेलिसा को गंदे तरीके से टच करता है। ये देखकर मेलिसा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। डेनियल उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। कुछ देर बाद मेलिसा डेनियल के फ्रेंड को किस करने लगती है और वो मान जाती है। दरअसल मेलिसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो डेनियल को जेलस फील करवाना चाहती थी। अगले दिन मेलिसा अपनी फ्रेंड को ये बातें कहती है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। अगले दिन मेलिसा अपना एडल्ट साइट पर अकाउंट क्रिएट करती है। जब मेलिसा को साइंस म्यूजियम में ले जाया जाता है जहां मेलिसा के पास बैठा शख्स मेलिसा उसके साथ भी इंटीमेट होती है। मेलिसा जो भी करती थी वो अपनी प्राइवेट डायरी में लिखा करती थी। जब वो क्लास में जाती है तो वो देखती है कि उसकी प्राइवेट डायरी सब पढ़ रहे हैं। ये देखकर मेलिसा बहुत गुस्सा हो जाती है।
जब वो अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर को अब प्यार करने वाला मिल गया है। ये देखकर मेलिसा मन ही मन में बहुत खुश होती है। अगले दिन मेलिसा घर जा रही थी तो उसकी फ्रेंड उससे सॉरी कहती है। यहाँ पर मेलिसा उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और वो उसे इग्नोर कर देती है। वहीं पास में एक लड़का मेलिसा को देख रहा था, शायद वो मेलिसा से लव करता था, पर मेलिसा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जब वो लड़का मेलिसा से बात करने की कोशिश करता है तभी उसे कॉल आ जाता है। ये कॉल डैनियल के फ्रेंड का होता है। वो उसे वहाँ अपने घर पर बुलवाता है। पहले मेलिसा उसे मना करती है, वो उसे मना लेता है। वो मेलिसा की आंखों पर पट्टी बांध देता है। जहाँ और भी लड़के थे वो सब बारी बारी मेलिसा को किस करते हैं। मेलिसा उन्हें कुछ नहीं कहती। यहाँ मेलिसा सभी के साथ एक एक करके इंटीमेट होती है। ये वही लड़के थे जो डैनियल के साथ थे और इन सभी का ये प्लान था। जब मेलिसा स्कूल जाती है सबकी नजर मेलिसा पर होती है। वो सभी मेलिसा को गंदे गंदे कमेंट्स करने लगते हैं। मेलिसा खुद से कहती है कि जो कुछ उसने किया उसे कोई पछतावा नहीं है और वो ये सब करके बहुत खुश है। कुछ दिनों बाद मेलिसा की डायरी उसकी मॉम पढ़ लेती है। उसकी मॉम को मेलिसा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। वो मेलिसा को कॉल करती है पर वो कॉल रिसीव नहीं करती। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेलिसा किसी शख्स के साथ उसके कमरे में थी। ये सब मेलिसा की मदर मेलिसा की ग्रैंड मदर से कहना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मेलिसा की ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। ये पता होने पर वो बहुत रोने लगती है। जब मेलिसा अपने घर पर उसकी मॉम के पास थी तब उसकी मॉम उस डायरी के बारे में पूछती है जो मेलिसा ने लिखी थी। मेलिसा उसकी मॉम से कहती है कि ये सब सच है। ये पता होने पर उसकी मॉम बहुत रोने लगती है। मेलिसा की मदर को रियलाइज होता है कि उसने मेलिसा का सही से ख्याल नहीं रखा। वो मेलिसा से माफी मांगती है। यहाँ पर मेलिसा को शर्मिंदगी महसूस होती है। मेलिसा अपनी मदर से वादा करती है कि अब वो ऐसा काम नहीं करेंगी। मेलिसा अपनी मॉम से माफी मांगती है और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।